एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मिशिगन में भी राष्ट्रपति ट्रंप को झटका लगा है, चुनाव प्रमाण पत्र रद्द करने की उनकी मांग खारिज हो गई है। देखिए मैं आपको बता रहा था कुछ जगहों पर उनकी अपील खारिज भी की गई है। मिशिगन कोर्ट ने ट्रंप की टीम की मांग रद्द कर दी है। ट्रंप ने चुनाव प्रमाण पत्र रोकने की याचिका लगाई थी लेकिन मिशिगन की अदालत से उनको राहत नहीं मिली। हालांकि नॉर्थ कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। नॉर्थ कैरोलिना में 15 इलेक्टोरल वोट हैं और अब इस जीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का आंकड़ा 232 पहुंच गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी वो बहुमत से काफी दूर हैं। बहुमत के आंकड़े से अभी भी वो 38 इलेक्टोरल वोट दूर हैं, जबकि जो बाइडेन करीब 300 के आसपास पहुंचते दिख रहे हैं। और ये आपको बता दें हम, बहुमत के आंकड़े से अब भी 38 इलेक्टोरल वोट दूर हैं डोनाल्ड ट्रंप। नॉर्थ कैरोलिना में 15 वोट उनको मिले हैं। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।